हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ लेसन नंबर 5. इट्स नेम इज एक्सपेंशन फार्मूली. ओके, इन फर्स्ट वीडियो वी हैव सीन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी. ये पहले वीडियो में हमने ये देखा है. ओके, नाउ इन दिस सेकेंड वीडियो वी आर गोइंग टू सी लर्न एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब. इन 7th स्टैंडर्ड वी हैव लर्न ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर. ओके, नाउ हियर ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब. ओके, यानी ए प्लस बी का कितनी बार मल्टीप्लीकेशन होगा? 3 बार, 3 times. ओके, देन हाउ इट इज डन? नाउ सी, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी. ओके, तो यहां पर समझने के लिए उन्होंने क्या किया, ये दोनों ए प्लस बी ए प्लस बी, ये मतलब ए प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर. ओके, थोड़ा सा शॉर्ट किया, राइट. अब क्या करना है? इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन. अब इसको आधा तोड़ दो, तोड़ दिया, ये ए यहां पर लिया, ये पूरा सेकेंड ब्रैकेट यहां पर लिख दिया. ओके, इसका मतलब क्या है? ए और इसका मल्टीप्लीकेशन, दूसरी बार प्लस बी और इसका मल्टीप्लीकेशन. तो प्लस बी यहां पर लिख दिया, यानी ये सेकेंड ब्रैकेट पूरा यहां पर लिखा. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वेयर ए क्यूब प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 2ab 2a² b प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर. ओके, अब इसका हो गया. अब इनका देखते हैं, प्लस और इसका साइन प्लस, तो यहां पर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वेयर बी, नहीं तो बी ए स्क्वेयर, जो भी है, लेकिन ए स्क्वेयर भी यहां पर नीचे हो जाएगा उसका. ओके, तो बी ए स्क्वेयर, देन यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो साइन यहां पर प्लस, 2ab मल्टीप्लाइड बाय बी 2ab स्क्वेयर, 2 ऐसा ही है, ए एज इट इज, बी और बी का मल्टीप्लीकेशन बी स्क्वेयर. ओके, देन प्लस प्लस साइन यहां पर प्लस. ओके, बी मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वेयर, आंसर यू विल गेट बी क्यूब, राइट. अब इसमें ढूंढना है लाइक टर्म्स. अब देखो लाइक टर्म्स कौन सी है? 2a² b और 1a² b. ओके, देन ab² ab² ओके, दीज आर द लाइक टर्म्स, राइट. अब इनका एडिशन हो जाएगा, ये a क्यूब एज इट इज, क्योंकि इसकी लाइक टर्म नहीं है, 2a² b एंड 1a² b, मतलब इसका होता है 3a² b. 1ab² प्लस 2ab² मतलब 3ab² एंड प्लस बी क्यूब एज इट इज. ओके, तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये इसका एक्सपेंशन है. ओके, व्हाट इज द एक्सपेंशन? ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब. ओके, इन ऑल दिस, अब ये जो पूरा किया है, इसमें से आप लोगों को ये पक्का ध्यान में रखना है, जैसा मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया, 7th स्टैंडर्ड में भी बताया था, ये पूरा बाय हार्ट करके ही रखना है. ओके, जैसा x प्लस ए और x प्लस बी का एक्सपेंशन, जैसा वो बाय हार्ट किया है, ओके, वैसे भी ये भी पूरा पक्का करके रखना है. ओके, कभी भी आप लोगों को अगर किसी ने भी पूछा, बोलो ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन बोलो, तो खट 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 लग तुरंत आंसर आना चाहिए. ओके, चलो आगे देखते हैं. लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द अबव एक्सपेंशन फॉर्मूले. ओके, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, शॉर्ट एग्जांपल्स देखते हैं. एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब. ओके, यानी यहां पर क्या लिया है? ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब. ओके, ए के बदले में यहां पर क्या दिया है? एक्स. बी के बदले में यहां पर क्या दिया है? 3. बस कुछ नहीं, ए की जगह पर एक्स लिखना है, बी की जगह पर 3 लिखना है एंड कैलकुलेट करना है. ओके, तो वी नो दैट ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या है? ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब. ये एक्सपेंशन तो हमें मालूम है. ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल ए का मतलब क्या है? एक्स. बी का मतलब क्या है? 3. ओके, अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्सपांड इट.
उसका एक्सपेंशन दिया है नेक्स्ट पेज पर, देखो x प्लस थ्री ब्रैकेट क्यूब। ओके, पहली टर्म क्या है, ए क्यूब मतलब x क्यूब प्लस बाय एक्सपेंशन में क्या दिया, थ्री ए स्क्वेयर बी या तो, ओके मतलब थ्री ए स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर, बी का मतलब थ्री, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। देन प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, थ्री तो थ्री तो थ्री ही रहेगा, ए का मतलब एक्स, बी का मतलब थ्री स्क्वेयर, राइट। देन आफ्टर दैट प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, राइट। नाउ सॉलिड एक्स क्यूब तो ऐसे एज इट इज इट विल कम डाउन। ओके, इसका आंसर क्या है, थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वेयर, तो प्लस नाइन एक्स स्क्वेयर। इसका थ्री का स्क्वेयर क्या है, थ्री थ्री जा नाइन, और ये नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, और ये x, सो ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस थ्री का क्यूब, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन प्लस, सो प्लस ट्वेंटी सेवन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, शॉर्ट एग्जाम्पल कैसा दिया है। ये शॉर्ट एग्जाम्पल सारे देखते हैं, यानी उससे पूरा अंदाजा आता है। ओके, पूरी कंसेप्ट पूरी क्लियर हो जाती है। अब देखो 3x प्लस 4y ब्रैकेट क्यूब, यानी इसका मतलब क्या है, a का मतलब क्या है 3x, एंड b का मतलब 4y। कुछ नहीं, a की जगह पर 3x लिखना है, b की जगह पर 4y लिखना है, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो एक्सपेंशन में क्या है, ए क्यूब, ए क्यूब मतलब 3x ब्रैकेट क्यूब, ये हो गया पहला। देन प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी, थ्री ए स्क्वेयर बी मतलब थ्री मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर यानी थ्री एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय बी मीन्स फोर वाई। देन प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, ओके एक्सपेंशन ऐसा ही है ना, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ओके, तो इसका लिखते थ्री ए बी स्क्वेयर, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाय ए मीन्स थ्री एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वेयर मीन्स फोर वाई ब्रैकेट स्क्वेयर। ओके, फोर वाई स्क्वेयर मतलब फोर का भी स्क्वेयर लेना है हमें और वाई का भी लेना है, इसलिए फोर वाई को ब्रैकेट किया है और उसको स्क्वेयर लिखा। एंड प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब फोर वाई का क्यूब, फोर वाई ब्रैकेट क्यूब। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब सिर्फ सॉल्व करना है। ये स्टेप अगर लिखते समय अगर आप लोगों ने कोई गलती नहीं की तो आंसर बराबर करेक्ट आता है। ओके, अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है, बहुत सिंपल हो गया। अब 3x ब्रैकेट क्यूब मतलब 3 का क्यूब लिखना है 27, यानी x का क्यूब लिखना है x क्यूब, सो 27x क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी। ओके, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x का स्क्वेयर यानी 3 3 जा 9 यानी x स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 4y। ओके, ये एक टर्म हो गई। प्लस 3ab स्क्वेयर का क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय a मतलब 3x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4y ब्रैकेट स्क्वेयर मींस 4 का स्क्वेयर क्या है 16 एंड y का स्क्वेयर y स्क्वेयर। ओके, तो ये थर्ड टर्म प्लस 4y ब्रैकेट क्यूब, यानी 4 का क्यूब क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64, तो 64 एंड y का क्यूब y क्यूब, राइट। ओके, अब इसको ये इसको एक साथ करो तो 27x क्यूब एज इट इज। ओके, जहां पर प्लस साइन है यहां से सेकेंड टर्म चालू होती है, ये हमने सिक्स स्टैंडर्ड में सीखा है, यहां तक एक टर्म है, ये प्लस साइन से इस प्लस साइन तक ये दूसरी टर्म है, इस प्लस साइन से यहां तक ये तीसरी टर्म है, एंड यहां से ये अलग टर्म। ओके, तो अब 27x क्यूब एज इट इज। ओके, प्लस
3 9s are 27, 27 4s are 108, and ये variables x square y उसके साथ नीचे। वैसे ही ये ना न्यूमर जो नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 3s are 9, 16 9s are 144, x y square as it is, plus 64 y cube as it is, this is the expansion, correct? Okay, let us move ahead. Example number 3, bracket mein 2m upon n plus n upon 2m bracket cube. Okay, yahan par kya diya hai, a ka matlab kya hai, a is equal to 2m upon n, and b ka matlab kya hai, n upon 2m. बस a के बदले में क्या लिखना है, 2m upon n, and b के बदले लिखना है n upon 2m. ओके, तो a plus b bracket cube उसका एक्सपेंशन क्या है, पहले a cube, a cube means 2m upon n का bracket cube plus 3a square b, मतलब 3 multiplied by a square n, 2m upon n का bracket square multiplied by b means n upon 2m, यहां तक दूसरी टर्म हो गई, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय a मींस 2m अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर मींस n अपॉन 2m ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, यहां तक सेकंड टर्म हो गई, सॉरी थर्ड टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, प्लस b क्यूब, b मींस व्हाट, n अपॉन 2m यहां पर ले लिया, अब उसको ब्रैकेट क्यूब, राइट? देन अब क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, 2m अपॉन n उसका ब्रैकेट क्यूब, मतलब 2 का क्यूब 8, m का क्यूब m क्यूब, n का क्यूब n क्यूब, ये हो गई टर्म, क्लियर हो गई अभी. ओके, ये फाइनल टर्म है, ये ऐसी नीचे आ रही है. अब इसको सॉल्व करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2m स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, m का स्क्वेयर m स्क्वेयर, n का स्क्वेयर n स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 2m. सेकंड टर्म क्लियर हो गई, तीसरी टर्म का देखते हैं, प्लस 3 एज इट इज, 2m अपॉन n एज इट इज, और इसका स्क्वेयर लेना है, n का स्क्वेयर n स्क्वेयर, 2m का स्क्वेयर 4m स्क्वेयर. ओके, यहां तक तीसरी टर्म क्लियर होगी, और ये चौथी टर्म एज इट इज नीचे. ओके, एज इट इज यानी उसका मल्टीप्लीकेशन तो लेना है, n का क्यूब n क्यूब, एंड 2m का क्यूब, 2 टू जा 4 टू जा 8, एंड m का क्यूब m क्यूब, ये चौथी टर्म क्लियर होगी, राइट? अब और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, दिस फर्स्ट टर्म ए स्क्वेयर ए क्यूब की टर्म एज इट इज, 8m क्यूब अपॉन n क्यूब. अब इसका सॉल्व करना है. ओके, तो अब देखो यहां पर एक n है न्यूमरेटर में, ये n और ये स्क्वेयर n एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, न्यूमरेटर का एक और डिनोमिनेटर का एक, यहां पर देखो इसका स्क्वेयर कैंसिल, इसका स्क्वेयर कैंसिल. ओके, अब देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 2 1 2 2 2 4 ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 3 2 6, ये m यानी ये एक n बचा है, तो 6m अपॉन n. ओके, ऐसे ही 2 1 2 2 2 4 2 2 4, ऊपर का एक n कैंसिल, नीचे का एक n कैंसिल, ऊपर का m कैंसिल, नीचे का m कैंसिल, क्या बचा है, 3 न्यूमरेटर में सिर्फ 3 बचा है और ये n बचा है 3n, नीचे क्या बचा है 2m, तो 2m. ओके, ये थर्ड टर्म क्लियर होगी, तो हम फोर्थ टर्म एज इट इज n क्यूब अपॉन 8m क्यूब एज इट इज डाउनसाइड, सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, ऐसे फोर्थ एग्जांपल दिया है, 41 ब्रैकेट क्यूब. अब इसको या तो a प्लस बी फॉर्म में लिखो, नहीं तो a माइनस बी का अब तक सीखा है नहीं. ओके, लेकिन a प्लस बी यानी 40 प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब. ओके, तो यहां पर a का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 40
and b is equal to 1. Okay, a cube yani 40 cube plus 3a square b means 3 multiplied by 40 square multiplied by 1, a second term. Then plus 3ab square, 3 multiplied by 40 multiplied by b square yani 1 square. And last ki term kya hai, b cube means plus 1 cube. Okay, तो 41 का क्यूब निकालना है ना, तो 40 का क्यूब क्या है, 40 का क्यूब 4 4 16 4 64 एंड ये यहां पर एक जीरो एक क्यूब ले रहा है इसलिए 3 जीरो तो 64,000. ओके प्लस 40 का स्क्वायर 4 4 16 एंड डबल जीरो ओके 1 जा 1600 मल्टीप्लाइड बाय 3 4800 1600 और 3 का मल्टीप्लीकेशन ले लो 4800 मिलता है. ओके तो यहां तक क्लियर हो गया. अब इस टर्म का देखते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर यानी 1 ही आता है आंसर, तो 120 तो 120 प्लस 1 क्यूब, 1 का 1 का क्यूब क्या है 1. ओके सो 64000 प्लस 4800 प्लस 120 प्लस 1 उसका एडिशन करने के बाद आंसर मिलता है 68921. Okay, so this is our final answer. Now let us move to practice set number 5.2. 5.2 practice set में कितने examples हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 examples आते हैं. Example ठीक तरह से देख लो. अगर आपके पास textbook है तो textbook में देखो. अगर नहीं है तो video pause करो और यहाँ से example लिख लो. क्योंकि मैं ये सारे example होने तक फिर से अब इसके बाद textbook नहीं दिखाने वाला. Okay, only I will solve the example directly in the notebook. Let us start with first example. Here practice set number 5.2. Question's name is expand. Okay, expand matlab expansion likhna hai. Okay, for the first example is k plus 4 bracket cube. K plus 4 bracket cube. Okay. इज इक्वल टू अब ए प्लस बी का एक्सपांशन, ए प्लस बी का एक्सपांशन क्या है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके यहां पर यर ए मींस यर ए इज इक्वल टू के एंड बी इज इक्वल टू 4. बराबर, ये आप लोगों को समझने के लिए लिख रहा हूं. अगर आप लोगों ने ये दो लाइन नहीं लिखी तो भी चलेगा, डायरेक्टली मैं जो अभी थर्ड लाइन लिख रहा हूं वो लिखा तो भी चलेगा. ए क्यूब मीन्स के क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वेयर मीन्स के स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय बी मीन्स 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मीन्स के मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वेयर मीन्स 4 स्क्वेयर देन प्लस बी क्यूब मीन्स 4 क्यूब. राइट ओके इज इक्वल टू के क्यूब एज इट इज. ओके अब इसका आंसर लिखना है, ये पूरी एक टर्म है ना, 3 4 जा 12 एंड दिस के स्क्वेयर. ओके देन इसका आंसर लिखना है प्लस 4 4 जा 4 का स्क्वेयर है ना, 4 4 जा 16 16 3 जा 48 एंड दिस के. ओके प्लस 4 का क्यूब 4 4 4 जो 16 4 जो 64 बस फाइनल आंसर दिस. राइट लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 इट इज 7x प्लस 8y ब्रैकेट क्यूब. ओके हियर a means 7x and b means 8y. Right? So therefore is equal to. First, now this formula already you can see here. Right? So a cube means 7x cube. Matlab 7x ko bracket cube dena hai. Plus 3 multiplied by ए स्क्वेयर बी, ए स्क्वेयर मीन्स 7x का स्क्वेयर
multiplied by b means 8y plus 3ab square means 3 multiplied by a means 7x. Okay, multiplied by b square means 8y square. 8y square plus b cube. B cube means 8y bracket cube. 8y bracket cube is equal to. Okay, अब 7x का क्यूब, 7 का क्यूब क्या है, 7 7 जा 49, 49 7 जा आंसर विल गेट 343, 343 x क्यूब प्लस 3. अब ये जो ब्रैकेट है ये इनको सॉल्व कर दे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7x का ब्रैकेट स्क्वायर क्या है, 7 7 जा 49 x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8y. ओके, यहां तक क्लियर हो गया. प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7x मल्टीप्लाइड बाय 8y का 8y ब्रैकेट स्क्वायर ए में यानी 64y स्क्वायर प्लस 8y ब्रैकेट क्यूब. 8 का 8 का क्यूब क्या है, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 512y क्यूब. ओके, इज इक्वल टू. अब लास्ट की स्टेप क्या है, ये जो टर्म्स है इनको एक साथ करना है. ओके, इज इक्वल टू 343x क्यूब. ओके, प्लस अब ये जो नंबर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 8. ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो 1176 आता है. ओके, एन अल्फा आइए एक्स स्क्वेयर वाई. ओके, देन अब इसका लिखो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 64 आंसर मिलता है 1344. ये मल्टीप्लीकेशन मैंने पहले ही करके रखा था. ओके, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं. ओके, और वेरिएबल्स का क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वेयर यानी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस थर्ड टर्म एज इट इज 512 वाई क्यूब. ओके, अब लाइक टर्म्स तो कुछ नहीं है, दिस इज योर फाइनल आंसर. ये तुम्हारा फाइनल आंसर, राइट. नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3 इज 7 प्लस एम ब्रैकेट क्यूब, 7 प्लस एम ब्रैकेट क्यूब. उसका एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस, यहां पर लिखते हैं ठीक है, हियर ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू एम. तो इज इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब मीन्स 7 क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय एम 3 ए स्क्वेयर बी. ओके, प्लस 3 ए बी स्क्वेयर 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वेयर मीन्स एम स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मीन्स एम क्यूब, राइट, इज इक्वल टू 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 49 3 जा सॉरी 49 7 जा 343 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वेयर 49 और ये m प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 21 और ये m स्क्वेयर. डायरेक्टली लिख दिया आंसर प्लस m क्यूब. अब किसका सॉल्व करना बाकी, ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना बाकी. इज इक्वल टू 343 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 49 आंसर 147 m प्लस 21 एम स्क्वेयर प्लस एम क्यूब. ओके, फाइनल आंसर, राइट. नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं. एग्जांपल नंबर 4 इज 52 का क्यूब. ओके, तो 52 हाउ वी आर गोइंग टू राइट, 50 प्लस 2
cube. Okay, so here A is equal to 50 and B is equal to 2. Right, is equal to A cube. A cube means 50 cube. 50 cube plus 3 A square B means 3 multiplied by A square means 50 square multiplied by B means 2 plus 3 AB square, 3 multiplied by A means 50 and B square means 2 square plus B cube. B cube means 2 cube. Right? Is equal to 50 का क्यूब, तो 50 का स्क्वायर, 50 का क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना है, उसमें एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं. 5 5 5 25 25 5 125, ये 5 का हो गया. ओके, क्यूब लेना है, 0 का क्यूब यानी वो 3 बार लेना है, 1 2 3. ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 यानी ये 2 बार लेना है क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 बार तो 2 बार मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मींस 4 प्लस 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8. राइट, इज इक्वल टू 1,25,000 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2,500 यानी 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 15,000. ओके, इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन है ना. अब ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है. प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन्स 600 एंड देन प्लस 8. अब ये चारों का एडिशन करना है. ओके, मैंने ऑलरेडी एडिशन करके रखा है. ओके, तो आंसर यू विल गेट 1,40,608. Okay, this is the cube of 52. Now let us move to example number 5. Example number 5 is 101 bracket cube. Okay, so 101 kaise likh sakte hain, 100 plus 1 bracket cube. So yahan par what is the A is equal to 100 and B is equal to 1. Okay, so therefore is equal to A cube. A cube means 100 cube plus 3 multiplied by A square means 100 square multiplied by A square B. B means 1 plus 3 AB square. A means 100 multiplied by B square means 1 square plus B cube means 1 cube is equal to 100 का cube. 1 का cube तो 1 है. Okay, and ये 2 0 है. 2 0 3 बार लेने हैं. ओके, यानी कितने, 1 2 3, ये क्यूब हो गया उसका. प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू यूनिट 10 लाख. प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 30,000 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 300 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 300 प्लस 1. अब इसका एडिशन करना है. इसका एडिशन करके जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 101 का क्यूब. आंसर इज 10 लाख, then 30,301. Okay, this is the final answer. 10 lakh plus 30,000 plus 300 plus 1 means 10,30,301. Okay, example number 6. Example number 6 is x plus 1 upon x bracket cube. X plus 1 upon x bracket cube. So here A is equal to x
b is equal to 1 upon x. ओके इसमें मजा आने वाली है, कैंसिलेशन का बहुत अच्छा होता है. इज इक्वल टू अब ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय बी मीन्स 1 अपॉन एक्स. ओके प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए बी स्क्वेयर ए मीन्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर 3 ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब मीन्स 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्यूब 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ओके एक्स क्यूब प्लस अब देखो न्यूमरेटर में एक स्क्वेयर है नीचे एक एक्स है तो इसका स्क्वेयर निकल जाता है ये एक्स कैंसिल होता है क्या बचता है 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 3x. यहां पर इसका लिखना बाकी है तो लिखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का क्यूब 1 एक्स का क्यूब एक्स क्यूब. अब देखो यहां पर भी ऊपर का एक एक्स नीचे का एक एक्स कैंसिल होता है अब जो बचता है वो नीचे लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस यहां पर क्या बचा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 3 एंड न्यू डिनोमिनेटर में x 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. ओके आवर फाइनल आंसर राइट. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7 ओके एग्जाम्पल इज 2m प्लस 1 अपॉन 5 ब्रैकेट क्यूब यहां पर हियर a इज इक्वल टू 2m b इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 बस जैसे ही ऊपर का एग्जाम्पल सॉल्व किया ऐसे ही करना है इज इक्वल टू अब ए क्यूब मतलब 2m क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2m का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय b यानी 1 अपॉन 5 ओके प्लस 3 ए बी स्क्वेयर ए मीन्स 2m राइट प्लस बी क्यूब यानी 1 अपॉन 5 का क्यूब ओके इज इक्वल टू अब 2m का क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या है कितना है 8 एंड m का क्यूब m क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2m का स्क्वेयर मीन्स 4m स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 5 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 1 अपॉन 5 का ब्रैकेट क्यूब 1 का क्यूब 1 5 का क्यूब 5 फाइव 25 5 जा 125 राइट. और देखते हैं नीचे अब क्या क्या है तो 8m क्यूब एज इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 m स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 12 m स्क्वेयर प्लस 12 m स्क्वेयर डिनोमिनेटर में क्या है 5 12 m स्क्वेयर अपॉन 5 यहां तक क्लियर हो गया प्लस अब इसका 3 टू जा 6 यानी यहां तक 6m हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 6m अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 25 प्लस लास्ट की टर्म 1 अपॉन 125 ओके दिस इज द फाइनल आंसर राइट. नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 8 आई थिंक लास्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 8 इज 5x अपॉन y प्लस वाई अपॉन
5x bracket cube. Okay, so here a is equal to, a means 5x upon y and b means y upon 5x. Okay, so therefore is equal to a cube. A cube matlab 5x upon y bracket cube plus 3a square b matlab 3 multiplied by 5x upon y ka square multiplied by b matlab y upon 5x. Okay, plus 3ab square. AB square means, A means 5x upon y plus y upon 5x square. Okay, plus B cube. B cube yani y upon 5x cube. Okay, अब उसको calculate करना है. 5x upon y bracket cube, पूरे ब्रैकेट का क्यूब लिखना है, यानी 5 का क्यूब 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब. ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाइड बाय वाई अपॉन 5x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x अपॉन y प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस y अपॉन 5x का क्यूब, मतलब y क्यूब अपॉन 5 का क्यूब 125x क्यूब 125 x cube, right? Okay, is equal to ये term as it is, it will come down. नीचे लेता हूँ थोड़ा सा, 125 x cube upon y cube. Okay, plus अब यहाँ पर देखते हैं कुछ cancellation होता है क्या? होगा ही, यहाँ का ऊपर का एक y, नीचे का एक y cancel. Okay, यहाँ पर 5 1 5 5 जा, ऊपर का एक x, नीचे का एक x कैंसिल, क्या बचा है 3 5 15. ओके, और ये x, सो 15x. डिनोमिनेटर में क्या बचा है y, बस y ही बचा है. ओके, प्लस अब इसमें देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है. ऊपर का एक y, नीचे का एक y, ऊपर 5 1 5 5 5 25. ओके, ऊपर का एक x, नीचे का एक x कैंसिल, ऊपर क्या बचा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय y मींस 3y, राइट? अपन नीचे क्या बचा है 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस x मींस 5x प्लस y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब, राइट? दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, हियर ऑल आवर 8 एग्जांपल सॉल्विंग इज ओवर. ओके, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 39 मिनट्स. ओके, सो सी यू इन ड्यूरिंग नेक्स्ट वीडियो. ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंशन ऑफ a माइनस b ब्रैकेट क्यूब. टिल देन थैंक यू.